आई डोंट नो मैं क्या कर रहा हूँ। अभी रात के 9 बज रहे हैं और मैं अभी लकड़ी तोड़ रहा हूँ, पता नहीं खुरापात आई है। चिकन लेके आया आधा किलो, ठीक है, और सोचा फ्राई चिकन बनाऊँ अकेले सोलो भाई। तो सोच रहा पहले लकड़ी जला लूँ, ठीक है, लकड़ी जलाने के बाद अंगारे कर लूँगा, उसके बाद फिर करते हैं बाकी तैयारी, ठीक है। चलो सो मैरिनेशन का टाइम आ चुका है। ये देखो दही डाल दिए, और ये डालेंगे खूब सारी सी कश्मीरी मिर्च। ये डाल दिया मैंने पेस्ट, ठीक है, चिकन मसाला। ये हो गया हमारे खड़े मसाले टाइप के। थोड़ी सी मिर्ची डाल दी, घर की पिसी हुई है, बाहर की नहीं है। ये डाल दी हमने घर की मिर्ची, क्योंकि हमें थोड़ा सा तीखा खाना पसंद करता हूँ ना, इसलिए बनना, ठीक है। ये डाल दिया मैंने नमक, यू नो एंटीबायोटिक, घर का पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला सब कुछ इसमें है, इसको भी डाल दें इसके ऊपर, ठीक है, डन। फाइनली ऑयल थोड़ा सा और डाल दिया, बटर भी डालना है थोड़ा सा, इतना बहुत है, ठीक है, थोड़ा हाथ धो लो। नींबू ढूंढता, नींबू छोड़ देते हैं मिला के, और उसके बाद बाहर देख के आते हैं आग जली नहीं चली, ठीक है, बाहर चल रहे हैं देखते हैं आग जली नहीं चली। बुझ गई भाई आग, आग नहीं जलेगी, और बिना आग के तो ये बन ही नहीं पाएगा। देख रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, अभी करते हैं उसको बंद, ठीक है, आग जल गई भाई झटके में। ओए दुकान बढ़ा के आ गया हूँ। अभी क्या कर रहा हूँ, ये मैंने अभी सिल्वर फॉइल लिया है, इसमें मैंने ऑयलिंग कर ली पूरी, ठीक है, और ये मेरा चिकन मैरिनेट हो चुका है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे प्याज मिर्च और टमाटर और लहसुन की साबुत कलियाँ रखी हुई है, ये सब पकने वाली है इसके अंदर, ठीक है, तो फटाफट से मैं इसको इसमें डालता हूँ, देखना है क्या, दिखाता हूँ। कुछ अच्छा ऐसे ही पकेगा, देखते रहे बस, आज तो कुछ अलग खाने वाली है। सब पकेगा ना, हमारा चिकन हो चुका है पूरा का पूरा रैप, आप देख सकते हैं इस तरीके से, और आग मैंने जलाई है, पता नहीं जली नहीं जली, जली या नहीं जली वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी डाल रहे हैं इसको हम पूरा का पूरा आग में, देख सकते हैं अच्छी खासी यहाँ पे आग जल गई है, और थोड़ा इसको अलग करते हैं और ये डालते हैं इसको यहाँ पे, क्या बोलते हो, लग रहा है आग अच्छी,
हमने पूरी तैयारी की है भाई, ताकि हम आज आपको दिखा सकें कि कैसे आप लोग सोलो भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं सोलो बना रहा हूँ, कोई मेरे साथ है नहीं। अगर अच्छा बन गया तो नेक्स्ट टाइम अपने दोस्तों के साथ मिलके ये बनाऊँगा और ट्राई करूँगा। यस, किरण भी साथ में है, लास्ट में आइए, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। तो ये मैंने डाल दिया। यस, ये अंगारों में ही पकेगा। अभी इसको थोड़ा सा आग में जला लेता हूँ अंगारों के साथ साथ। तो ये चिकन डल चुका है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं कैसा बनता है। अच्छा, अंगार हो गई एकदम मस्त वाली। तो थोड़ी सी और लकड़ी की जरूरत पड़ रही थी, तो लेके आ गया एक और ठंडा अच्छा खासा आम का। तो रखता हूँ वहाँ पे, आग जलाता हूँ ताकि जल्दी बन जाए। नॉर्मली आधे घंटे लगने वाले हैं। चिकन, सिल्वर फॉइल और रेसिपी ना, हाँ यही। लॉन्डो तैयार रहो, अगली बार यही बनने वाला है, लेट्स गो। ये देखो भैया, आग जल चुकी है। अभी क्या हुआ कि लकड़ी लाया था, तोड़ रहा था पैर से झटके मार मार के नीचे हल्ला हुआ, मिट्टी आँख में घुस गई पूरी। कोई नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। सो ये सारी बकचोदी मैं करने चाहता हूँ अपने दोस्तों के साथ, जब भी वो घर आए तो ये वाला प्लान दोबारा होगा और बनेगा। अगर ये अच्छा हुआ खाने में तो ज़रूर बनेगा, ज़रूर यही होने वाला है नेक्स्ट प्लान। बट आज ये मेरा ट्रायल था, सोचा बना लूँ वीडियो ना, ये तो मैं करता रहता हूँ ये सारी बकचोदी, बट मैंने सोचा बना लेता हूँ। ये देखो आँख मेरी मिट्टी घुस गई क्या आँख में, दिख रहा मुझे, दिख रहा आपको, दिख रहा होगा मिट्टी है क्या, क्या रख रही है। चलो इसको जल्दी जल्दी करते हैं फिनिश। सो गाइस, अभी मैंने क्या किया, आप सोच रहे यहाँ पर चिकन था ना, चिकन कहाँ गया, सारी जली हुई लकड़ियाँ वहाँ पर है। तो जो जितने भी अंगार हुए थे ना, कोयला वगैरह, वो नीचे हो गया था, और मैंने चिकन को ना पूरा का पूरा मिट्टी से कवर दिया, ऊपर से कवर कर दिया पूरा। तो इसके नीचे चिकन है और उसके नीचे कोयले, और बिल्कुल भी हीट बाहर नहीं आएगी, सब इसके अंदर है। तो अभी इसको धीमी आंच में पकने देंगे, जैसे बोलते हैं ना गैस में कम आंच कर दें, तो वही कम आंच हमने कर दी है। तो जो भी कमी पैसा होगी वो पूरी हो जाएगी इसमें, और कम से कम मैं सोच रहा हूँ 15 मिनट बाद मैं इसको ओपन करूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि नीचे गर्माहट है तो ऊपर भी गर्माहट होनी चाहिए, ऊपर भी मैंने आग जला दी ताकि नीचे और हीट मिले, नीचे से भी और ऊपर से भी। सो गाइस, मैंने अभी निकाल लिया पूरा का पूरा चिकन अपना बाहर, ये उसकी कुछ इस तरह से कंडीशन है, जल गया इधर से। तो जो भी हमारा आज का डिश है वो सब इसके अंदर है, समझ रहे हो। तो अभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ अंदर, देखते अंदर जाके कितना पका। ओह गर्म है यार। तो अभी मैं इसको थोड़ा झाड़ लेता हूँ, ठीक है, कैमरा भी नहीं चला सही से। तो अभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ अंदर, लेट्स गो। भाई तरग रहा है, गर्म है बहुत, हाथ चल रहा है भयंकर, फटाफट से मतलब रखना पड़ेगा। सो गाइस, अभी हो चुकी है अनबॉक्सिंग शुरू, देखते हैं पका है या नहीं पका है। ये देख सकते हैं, ऐसा अनबॉक्सिंग आपने देखा कभी, घर में ही पैक हुआ है और घर में ही हम एक तरह से खोल रहे हैं, इस तरह पकड़ पड़े खोल ले, पड़ जाता है, गर्म तो है साथ से पक गया होगा। ओहो हो, ये देख सकते हैं आप, तर्री निकल रही है, तर्री चिकन पक जाए बस, जो मेन है गर्म है यार, गर्म है ना, तो फाड़ के निकालना आराम से इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, चिकन इसके अंदर है, हमारी मिर्च और हमारा चिकन सब कुछ इसके अंदर पैक। ओहो, लग तो रहा है सकल से कि पक गया, पक तो गया, पक चुका है, थोड़ा थोड़ा रह गया।
तो ये हमारा चिकन यहाँ पे रात के 10 बजे बकचोदी हमारी है। ये हमारा चिकन जो प्रॉपर हमने बनाया है ट्रेडिशनल तरीके से आग में, ये देखिए ये कुछ चिकन इस तरीके से, लेग पीस नहीं है इसमें, है ना लेग पीस भी सुना मुझे लग रहा नहीं पता। है तो अभी इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसा हो रहा है। पहले सबसे पहले था हमारा प्यार क्या है, प्यास प्यास तो अच्छा ही होता है। एंड फर्स्ट बाइट ऑफ चिकन, परफेक्ट गल चुका है, दोनों वो ना थोड़ा सा पका नहीं था तो उसको थोड़ा फ्राई कर रहे हैं, ठीक है उसके बाद उसको थोड़ा नमक मिर्च तेज करके फिर खा ले फिर तुझे देते हैं, ठीक है ना कोई दिक्कत तो नहीं, थोड़ा लेट हो गया मुझे पता है लेकिन पक्का मिलेगा तेरे को उस टाइम, ठीक है बस ज़्यादा नहीं 5 मिनट रुक जाए, 5 मिनट में बन जाएगा वो, उसके बाद तेरे को देते हैं, ठीक है ना डन चलो। सो ये हमारा चिकन है जो हमने बनाया था, इसमें मैंने क्या किया थोड़ा सा ना ग्रेवी और बनाई ताकि मैं चावल खा सकूँ उसके साथ में, और बाकी पूरा चिकन ये है इस तरीके से। तो अभी इसको खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चुपके चुपके आप भी कभी ऐसा कुछ बना लेना, ठीक है ना मज़ा आएगा।